भरी बस को हाईजैक कर लिया गया है। तो एक बड़ी खबर, ड्राइवर और कंडक्टर को बस से उतारा गया, बस को हाईजैक किया गया है, दोनों को उतार करके बस ले गए बदमाश। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस बस में लगभग 34 यात्री सवार थे। तो एक बड़ी खबर, न्यू दक्षिणी बाईपास के पास इस बस को हाईजैक किया गया है। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश ये बस जा रही थी कि तभी बदमाश यहां पर आए और इस बस को हाईजैक किया। फाइनेंस कर्मचारी बन करके इस बस को रुकवाया गया था। तो आगरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि सवारियों से भरी बस को हाईजैक कर लिया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर को बस से उतार करके इस बस को हाईजैक किया गया, दोनों को उतार करके बस ले गए बदमाश। बस में लगभग 34 यात्री सवार थे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, न्यू दक्षिणी बाईपास से इस बस को हाईजैक किया गया है। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश ये बस जा रही थी कि तभी बदमाश यहां पर आए और बस को हाईजैक किया। फाइनेंस कर्मचारी बन करके इस बस को रुकवाया गया। तो एक बड़ी खबर आगरा से आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें यहां पर सवारियों से भरी एक बस को हाईजैक कर लिया गया है। दो बदमाश यहां पर आए और इस बस को हाईजैक कर लिया। ड्राइवर और कंडक्टर को बस से उतार लिया गया। अनुपम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुपम, जानना चाहेंगे इस बस को हाईजैक करने के बाद बदमाश कहां पर इस बस को लेकर गए हैं? देखिए, देर रात की ये घटना है। आगरा के दक्षिणी बाईपास जो दिल्ली और मध्य प्रदेश के रास्ते को जोड़ता है, उससे ये बस गुजर रही थी। हाँ। उसी समय जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के पास दो कारों में सवार उतर के करीब 8-10 बदमाश उसमें शामिल थे। बस को रोका उन्होंने और उसके बाद उसके 4-7 बस में सवार हुए। हाँ। और बस कंडक्टर और ड्राइवर को अपनी गाड़ी उतार लिया। उसके बाद शहर के किले के दूसरे हिस्सों से होते हुए बस को लेके कानपुर हाईवे पर आए और कानपुर हाईवे पर बस उतार के वहाँ पे बारी बारी से खाना खाया है क्या, और उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर को वहीं छोड़ दिया। इस दौरान बस में जो सवारियों के पैसे भी वापस करा दिए। उसके बाद वो बस को लेकर चले गए। वो बार बार ये कहते रहे कि पूरा मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और बस की किस्त टूट गई है, इसलिए हम बस को ले जा रहे हैं। सवेरे के बाद पुलिस को पता चली तो पुलिस सक्रिय हुई। हालांकि बस को लेकर के वो कहाँ गए हैं अभी इस बात कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस जो भी आसपास के टोल प्लाजा है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करा रही है कि बस का उत्तर है। अभी तक पुलिस को ये जानकारी वो सवारियां और बस कहाँ है। अनुभव, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कितनी टीमें बनाई गई हैं, गठित की गई हैं ताकि इस बस की तलाश की जा सके? देखिए, एसएसपी आईजी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मलपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है और पूरी टीमें लगी हुई हैं। आसपास के जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है। हाँ। आसपास के जो हाईवे गुजर रहे हैं उन सभी पर, आसपास जो टोल प्लाजा है और जहां से भी सीसीटीवी के जरिए मदद मिल सकती है कि बस किस इलाके में जा सकती है, उसकी पूरी जानकारी छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। बिल्कुल अनुपम, देर रात का ये पूरा मामला, एक लंबा वक्त बीत चुका है, आखिर क्या वजह है कि बस की तलाश अभी तक नहीं की जा सकी? देखिए, पुलिस के पास सिर्फ एक रास्ता है, सीसीटीवी के जरिए पता चले कि बस का रूट क्या था और बस किस तरफ गई है, क्योंकि उसमें जो सवारियां थी उनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं हो पाई, ना ही किसी सवारी पुलिस से संपर्क किया कि वो कहां पर है, सुरक्षित है, कैसे हैं, किस हालत में है। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो सीसीटीवी पर टिकी हुई है। बिल्कुल अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे इस बस में कितने लोग सवार हैं अभी भी? देखिए, बस में जो बस चली है तो गुरुग्राम से पन्ना के लिए ये बस जा रही थी और बस का जो मालिक है वो ग्वालियर का रहने वाला है। हाँ। रमेश नाम है उसका। और बस में जो करीब यात्री उस समय थे वो करीब 34 यात्री सवार थे। हाँ। अनुपम, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर जो बस में सवार यात्री हैं, क्या इनमें से किसी ने भी पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया, पुलिस को सूचना नहीं दी? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले एसएसपी से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनको बस के बारे में कोई जानकारी नहीं पाई है। हाँ। और जो बस के यात्री हैं, नाइट के यात्री ने पुलिस से संपर्क किया है। हाँ। इसलिए पुलिस के हाथ अभी खाली है, सिर्फ सीसीटीवी के जरिए और टोल प्लाजा के वो पता लगाने में जुटी है। हाँ। बस आखिर कहाँ। बिल्कुल अनुभव, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या मोबाइल की ट्रेसिंग भी की गई है पुलिस की तरफ से, क्या वजह है, एक लंबा समय बीत चुका है उसके बावजूद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? जी देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस के पास हैं और जो जानकारी वो पुलिस को दे रहे हैं। हाँ। पुलिस उसी आधार पर छानबीन में जुटी हुई है। हाँ। क्योंकि बस में किसी ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है जिसके जरिए पुलिस ये पता कर सके कि बस में जो लोग हैं उनका भाई कहाँ है। हाँ। वो ट्रैक कर सके, तो सिर्फ सीसीटीवी एक ऐसा ऑप्शन है पुलिस के पास जिसके जरिए पुलिस ये पता कर सके कि बस किस रास्ते चल रही है और कहां पर पहुंची है। बिल्कुल अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी की जा रही है, क्या कुछ अहम सुराग लग पाया हाथ अभी तक पुलिस को?
देखिए पुलिस ने आसपास के जिलों में जो है जानकारी की है, वहां पर इस बात की सूचना दी है, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो स्टेट है वहां पर भी बताया है, आसपास के जिलों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया है कि ये बस किसी भी दिशा में जा सकती है, क्योंकि आगरा से मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे जुड़े हुए हैं, तो इन सभी जगहों पर ये संपर्क किया जा रहा है, जो स्टेट्स हैं उनकी पुलिस को भी अलर्ट किया गया है जिससे बस का पता चल सके। बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर सवाल ही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बस आखिर गायब कहाँ हो गई है, क्या वजह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी भी पुलिस को बस का पता नहीं लग पाया है? जी निश्चित रूप से ये बड़े शर्मनाक बात है कि जितना पुलिस सर्विलांस और इंटेलिजेंस का दावा करती है, बस सवेरे, ये कल करीब 10 बजे की घटना है और 10 बजे से लेके इस समय भी 10 बजने जा रहे हैं, 12 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ अभी खाली है। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि बस कहां तक पहुंची है, कहां पर बस है, उसके यात्री सुरक्षित है कि नहीं, क्या स्थिति है बस की। बिल्कुल अनुपम, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए पुलिस का बार बार यही कहना है कि बस की तलाश की जा रही है, बस जहां पर अभी होगी जैसे ही पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, बदमाश जो है उनको अक्सा नहीं जाएगा, उनको जरूर पकड़ा जाएगा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ कर नहीं पाई है, पुलिस को हाथ कोई भी सुराघात नहीं लगा है। बिल्कुल अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे जब इस बस को हाईजैक किया जा रहा था, जब बदमाश इस बस में सवार हुए थे, क्या उस समय पर विरोध नहीं किया गया किसी की तरफ से, यात्रियों ने विरोध नहीं किया? देखिए वहां पर जो टोल प्लाजा है, पहले बस भाग से बस को वहां पर रोकने का प्रयास किया था, उसके बाद बस ड्राइवर ने चलाकी दिखाते हुए बस को वहां चल आगे ले गया, आगे ले जाके सुनसान रास्ते पर इन्होंने फिर जो गिजाई लोग थे, ये लोग सवार थे, बस का पीछा कर रहे थे, बस को रोका उन्होंने और जबरन बस में सवार हो, तो निश्चित रूप से उनके पास सत्ताए थे और असलहों के दम पर उन्होंने बस पे कब्जा किया है और ड्राइवर कंडक्टर को अपने कब्जे में लेकर के अपने आदमी को बस में बैठाया, जान के भय यात्री ने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने बस कंडक्टर से पूरे जो यात्री थे उनके पैसे वापस कराए, तो निश्चित रूप से उनका इरादा यात्रियों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस को ले जाने का था, और इसी बात को मान करके पुलिस भी इसी बिंदु पर काम कर रही है और बस की तलाश में जुटी है। बिल्कुल अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे ड्राइवर और कंडक्टर से और क्या कुछ जानकारी यहाँ पर हासिल हो पाई है, जो जिस कार में सवार होकर के बदमाश आए थे क्या उनकी पहचान हो पाई है, उन कारों का मालिक कौन था क्या उसकी पहचान हो पाई है? देखिए अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, थोड़ी देर पहले ही एसएसपी आगरा से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जब इतनी बड़ी बस का पता नहीं लगा पाई है पुलिस, सभी जायलों गाड़ी और उसके बदमाश का पता लगाना तो दूर की बात है, फिलहाल पुलिस की अपनी कोशिश जारी है। तो कहीं ना कहीं अनुपम यहाँ पर पुलिस की तरफ से साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, रात 10 बजे से बस को हाईजैक किया गया था लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं पाई है। हाँ निश्चित रूप से पुलिस की पूरी लापरवाही है इस पूरे मामले में, जगह जगह पिकेट और चेकिंग की बात पुलिस करती है, देर रात हाईवे की ये घटना है और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं पता लगा पाती है, बिल्कुल पुलिस की ओर से एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर लगातार प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लगातार भारत समाचार कॉल कर रहा है लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है, क्या आपने आला अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहना है उनका? ये देखिए एसएसपी से बात हुई है, एसपी पूर्वी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपने व्यस्त होने का हवाला देके फोन काट दिया, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी और टीमें लगी हुई है वो कोई बोलने को तैयार नहीं है, एसएसपी से जरूर बात की तो उन्होंने इस बात को बताया जो टीमें हैं वो लगी हुई है, उसकी टीवी आसपास जिलों में सूचना दी गई है और जल्दी की इनपुट के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस अपनी ताकत से जुट गई है और पूरे प्रयास लगी हुई है जल्द से जल्द पता जो है पता लगाया जाए। बिल्कुल अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि शुरुआत से ही यहाँ पर पुलिस सक्रिय नहीं हुई और इसी वजह से इतना लंबा समय बीत चुका है और अभी तक बस का पता नहीं लग पाया है। देखिए घटना रात करीब 10 बजे की है और 10 बजे जब ये टोल प्लाजा से बस निकली है उसके बाद दक्षिणी बाईपास होते हुए और सैया फतेहाबाद होते हुए जो कानपुर हाईवे है उस पर बस आई है, वहाँ पर खाना खाया है, इस पूरे घटनाक्रम में करीब 6-7 घंटे बीते हैं, उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ा गया है, जब सवेरे 4-5 बजे के बीच में ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ा गया है और उसके बाद वो बस को
अदमाश करके चले गए हैं, तो ये ड्राइवर और कंडक्टर मलपुरा थाने पहुंचे हैं जिस इलाके में ये घटना हुई है, और थाने को सूचना दी है, उसके बाद पुलिस को पता चला है। तो आप यकीन करिए कि करीब 50 से ज्यादा किलोमीटर बस आगरा परिक्षेत्र में ही घूमती रही, लेकिन पुलिस की कहीं पर कोई चेकिंग नहीं थी, पुलिस को कहीं कोई जानकारी नहीं हुई, इसलिए पुलिस की पूरी लापरवाही है। और यही वजह है करीब वारदात के 8 घंटे बाद तो पुलिस को पता चला है, और उसके बाद से पुलिस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि सीसीटीवी और अन्य दूसरों चीजों के सहारे वो बस की तलाश में जुटी हुई है। बिल्कुल अनुपम, जानना चाहेंगे क्या बदमाशों की पहचान अभी तक पुलिस कर पाई है? अभी देखिए बदमाशों की पहचान, अभी बस का पता नहीं लगा तो बदमाशों की पहचान का दावा करना पुलिस का बेईमानी है, क्योंकि पुलिस को भी कुछ भी पता नहीं है, ऐसे में बदमाशों की भी जानकारी नहीं हो पाई है। वही अनुपम, इस पूरे मामले पर वो जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनका क्या कुछ कहना है, बदमाश इस बस को लेकर के कहां गए हैं? देखिए बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है। जो सूत्रों से मुताबिक जानकारी मिली है कि उन्होंने ये बताया है जो वार्ता के दौरान बस जो बदमाश थे वो बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि बस की किस्त तोड़ दी है और इसलिए वो बस को ले जा रहे हैं, और इसी बात को बिंदु मान करके पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि पूरी बस को 34 सवारियों के साथ लेके जाना अपने आप में इस बात को इशारा करता है कि बस का जो हाईजैक का मामला है, इस पूरा मामला कहीं कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ है।